अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 3 की रीडिंग भी कर चुके हैं, उसका जो बुक वर्क था पेज नंबर 17 और 18 वो किए हैं, तो अब हम लोग इसी लेसन नंबर 3 के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कॉपी वर्क, वो अभी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोग ऊपर कॉपी पर CW लिखेंगे, यहाँ पर डेट लेफ्ट साइड पर आप लोग डेट मैंशन करेंगे, यहाँ पर डे लिखेंगे, और साथ राइट साइड पे करेक्शन कॉलम बनाना है। स्कूल का नाम ऊपर हेडिंग देंगे लेसन नंबर 3, आगे योर स्कूल, यानी स्कूल नेम है, लेसन नंबर है, लेसन नेम है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1 है, व्हेन यू आर ओल्डर यू विल गो टू अ डैश स्कूल सीनियर स्कूल। नेक्स्ट है, यू लर्नड अबाउट मैनी थिंग्स इन डैश स्कूल। The first language you learn as a child is called your dash mother tongue. Number 4 है, dash needs to know about numbers. इसमें आएगा फिर इसमें fill in the blanks में everybody. Number 5 है, in dash you learn about the world we live in. तो इसमें आएगा in geography. Geography में हम लोग world के बारे में पढ़ते हैं. Next हमारा question number 2 है, question answers. What is the name of your school? इसका answer है, The name of my school is Sir Sayyid School Franchise, Bochimore, Wakent. Next question हमारा, in which subject do you learn about number? Numbers के बारे में आप लोग किस subject में पढ़ते हैं? This question is, in mathematics we learn about numbers. Question number 3 is, why are sports good for us? Because sports help us relax and keep healthy. Page number 17-18 हम लोग book पे कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग page number हम लोग 16 आगे करते हैं। इसमें ये वर्क पेज है, मैचिंग लोन इसमें करनी है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके आगे दिए हैं कि उसमें हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेजेस हैं, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हाउ थिंग्स वर्क, अबाउट नंबर्स, एक्सरसाइजिंग द बॉडी, अबाउट द पास्ट, अबाउट द पीपल्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये सब्जेक्ट्स हैं और इनमें हम लोग किस चीज़ के बारे में क्या पढ़ते हैं। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द पास्ट, गुजरे हुए ज़माने के बारे में। मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 3 है लैंग्वेजेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है। नंबर 4 पे है आर्ट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग। नंबर 5 पे है स्पोर्ट्स, यानी खेलों का जो है सब्जेक्ट, उसमें क्या है, एक्सरसाइजिंग द बॉडी, अपने बॉडी की वर्जिश करना डिफरेंट खेलों के ज़रिए से होती है। आगे है साइंस, अब साइंस के सब्जेक्ट में साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि साइंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हाउ थिंग्स वर्क, कि हम लोग पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में और चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में जो पढ़ते हैं वो साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द पीपल्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं और पीपल हैं उनके बारे में जो इल्म है वो हमें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉर्म बिलो, ये जो नीचे है इसको फॉर्म को फिल करना है, और ये आप लोगों का होमवर्क है, यू विल डू बाय योर सेल्फ। माई फेवरेट सब्जेक्ट, वो यहाँ पर अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। माई टीचर, जो टीचर हैं आपकी उसका नाम लिखेंगे। टाइटल ऑफ माई टेक्स्ट बुक, उस बुक का नाम लिखेंगे। ऑथर्स नेम, ऑथर नेम लिखेंगे, जो बुक का राइटर है उसका लिखेंगे। नंबर्स ऑफ पेजेस, बुक के जितने पेजेस हैं वो लिखेंगे। और आई लाइक, जो सब्जेक्ट है कि क्यों आपको, आई लाइक सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, बिकॉज क्यों पसंद है, वो आप लोग आगे से उसकी रीज़न लिखेंगे कि क्यों मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है। इससे हमारा ये लेसन नंबर 3 कम्प्लीट हो गया। ओके, डू इट ऑन योर कॉपीज एंड बुक्स एंड लर्न इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।